अभी मैं बैठा हुआ हूँ जिस औषधीय पौधे के पास, उसका नाम है गोखरू। जिनको बहुमूत्र की शिकायत है, बार बार पेशाब जाना पड़ता है, रुक रुक करके पेशाब होता है, या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनको प्रोस्टेट की शिकायत हो जाती है, गोखरू को पाउडर करके बराबर मात्रा में काले तिल को मिला लें और गोखरू और काला तिल का पाउडर प्रातः सायं आप सेवन करें, आप देखेंगे आपको मिलेगी मुक्ति प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से। कई लोग आते हैं, कहते हैं जी हमने तो 4 बार ऑपरेशन करा लिया, 3 बार ऑपरेशन करा लिया, फिर भी पथरी है। हमने ऑपरेशन करा करके पथरी को तो निकाल दिया, परंतु ऑपरेशन करा करके पथरी बनने का जो कारण है, उस कारण को हमने समाप्त नहीं किया। तो उस कारण को समाप्त करना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से इस गोखरू का काढ़ा आप पी सकते हैं। और इसके साथ में, गोखरू के बीज के साथ में, यदि आप पाषाण भेद, वरुण की छाल और कुलथ की दाल, यह काढ़ा आप बना करके वरुण की छाल, कुलथ की दाल, पाषाण भेद और गोखरू, इन 4 द्रव्यों को बराबर मात्रा में मिला करके आप इसको कूट करके फिर काढ़ा बना करके लगभग 10 ग्राम इस पाउडर को, इस क्वाथ को 600 ग्राम पानी में पकाएं और 100-125 ग्राम पानी बचे छान करके आप प्रातः सायं पिएं। इससे किडनी का जो इन्फेक्शन है, जो आपकी पथरी है, पथरी बनने का जो आपका कारण है, वो निश्चित रूप से 100% ठीक हो जाता है। हमने किडनी के 16 mm तक के पथरी को निकलते हुए देखा है और हमारे पास लोग अपने हाथ में निकली हुई पथरी को ले ले करके आते हैं, तो बड़ी हमें सुखद अनुभूति होती है, सुखद आश्चर्य होता है, सुखद आनंद होता है। तो आप भी इसका प्रयोग करके अपनी पथरी से मुक्ति पा सकते हैं, और पथरी नहीं है तो ज़िंदगी में पथरी जैसी भयानक रोगों से आप बच सकते हैं।